गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू 8th चैप्टर एयर एंड वाटर। वी स्टार्ट फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ एयर। मींस वी ऑलरेडी नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। टुडे वी लर्न अबाउट द अमाउंट ऑफ दोज गैसेस इन द एयर। कितनी कितनी मात्रा में जो गैसेस हैं वो हवा में पाई जाती हैं, उसी अमाउंट को और उसी की स्टडी को कंपोजिशन ऑफ द एयर कहते हैं। जैसे कि 78% है जो वो मात्रा है हमारी टोटल एयर में नाइट्रोजन की। 78% ऑफ द टोटल एयर इज ओनली नाइट्रोजन and 21% of the air is available in the form of oxygen and 1% of the air is other gases like carbon dioxide, argon, methane and hydrogen. These are 1% from the air. Out of these 1%, 0.03% is the amount of carbon dioxide. 0.03% is carbon dioxide. Other out of 1%, 0.07% is आर्गन, मीथेन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, उसको जगह चाहिए। इसे हम प्रूव कर सकते हैं, एक बकेट लेना, उसमें पानी लेना जैसे इसमें शो किया गया है, और बाद में एक गिलास को उल्टा करना और बाल्टी में पानी में प्रेस करके देखना, आपका गिलास है जो वो प्रेस नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द एडजस्टिंग ऑफ एयर इन द गिलास। उससे हमें जोर से दबाना पड़ेगा उसे, क्योंकि उस गिलास में जो है हवा एयर एडजस्ट है, पहले से ही मौजूद है। इससे हमें पता चल जाता है कि एयर ऑक्यूपाइज करती है स्पेस को। नेक्स्ट है एयर हैज वेट। इसलिए क्या करना है हमें, एयर का वेट भी होता है। ये कैसे शो कर सकते हैं हम, एक स्टिक लेना, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग बांध लेना बिल्कुल सेंटर से, स्टिक लेकर बिल्कुल सेंटर में उसे स्ट्रिंग बांध लेना, और दो बैलून्स लेने हैं आपने। You have to take two balloons and tie with the ends of the stick. Stick के छोटी के दोनों अखीरले भागों में बांधने हैं उसको। एक आपने वैसे का वैसा ही बांध लेना है जैसा बैलून है बिना हवा भरे, और दूसरे में आपने एयर भर लेनी है। आप देखोगे जिसमें एयर भरी है वो साइड है आपकी नीचे चली जाएगी, मीन्स ड्यू टू वेट। वो साइड आपकी जिसमें एयर, जिस बैलून में एयर भरी हुई है वह साइड आपकी नीचे चली जाएगी, दैट इज ड्यू टू वेट ऑफ एयर। नेक्स्ट है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। अगर हमें आग को जलाना है तो भी हवा की जरूरत होती है। इसे प्रूव करने के लिए एक कैंडल लेना, उसे जलाना, वो जलती रहेगी, और बाद में उसके ऊपर कोई भी बर्तन से उसे कवर कर देना। थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो कैंडल है जलनी बंद हो जाएगी, एंड दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर, बिकॉज वहाँ पर जो एयर है मौजूद नहीं रहेगी, क्योंकि एयर को बंद कर दिया किसने, हमारे जार में और मींस किसी बर्तन में।
उस जार के साथ उसे कवर कर लेना। जब कवर करेंगे उसके बाद देखेंगे तो कैंडल है जो जल्दी बंद हो जाएगी। दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पर एयर नहीं पहुंच सकेगी इसलिए वह बंद हो जाएगी। नेक्स्ट हम यूज हैं एयर के क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। जो हवा में ऑक्सीजन होती है वह किसी बर्निंग के लिए हेल्प करती है, उसी के कारण जो फायर है बर्न होती है, आग जलती है। सेकंड है एयर इज यूज्ड इन द फिलिंग द टायर्स, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं हम उसमें भी एयर फिल करते हैं। नाइट्रोजन यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, जो भी हम फार्मर्स फर्टिलाइजर पाते हैं अपने फील्ड में खेतों में, उसको बनने में भी नाइट्रोजन की हेल्प ली जाती है। नाइट्रोजन किसका मिक्सचर है, किसके कारण बनती है, दैट इज पार्ट ऑफ द एयर। जो फर्टिलाइजर यूरिया है उसमें भी 46% नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है विंड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हवा से जो है एक एनर्जी का सोर्स भी है। इससे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ओके दैट दिस इज योर 8th चैप्टर एंड रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।